मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं सज्जाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स हम लोगों का टूर है बच्चों के साथ जहराबाद टू मियांवाली। हम लोग जी आज जा रहे हैं जहराबाद से मियांवाली बच्चों को घुमाने के लिए। रास्ते में एक जगह पर हम लोग इधर थोड़ा सा ये मेन रोड के ऊपर आप देख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। इधर हम लोग ये रेस्ट वगैरह कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग फिर आगे रवाना हो जाएंगे मियांवाली की तरफ। क्या लिया तुमने, हफ्स तुमने क्या लिया, ये क्या चीज़ है? भाई तुमने क्या लिया? हाँ कौन सा जूस है दिखाओ, क्या हुआ, खांसी लग रही है? ज़ुएब तुम क्या पी रहे हो? ओए ज़ुएब, ओ ज़ुएब तुम क्या पी रहे हो? मुझे दो मजीद, चल तुम पी लो खुद। भूखे भूखे लोग, उसने किधर बैठना बताओ आगे। ज़ुएब तुमने किधर बैठना है? हैं तुमने किधर बैठना है, आगे बैठना है या पीछे? हाँ हम आ, तुमने बताओ पीछे पीछे बैठना है। हाँ आप सब तुम बताओ आगे। अभी किसको आगे बैठना है बताओ, ज़ुएब तुम बताओ किसको आगे बैठा है? मैनू तुम्हें क्यों आगे बैठा है? हम लोग तुम्हें क्यों आगे बैठा ले वजह बताओ, वजह बताओ तुम लोग को क्यों आगे बैठा है? अरे ज़ुएब 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 भाई ऐसे तन घर ले बदरा, घर ले बदरा या घर तन काट सटा ले अस तन क्यों घर ले बदरा? नहीं अस तन नहीं ऐसे तन घर काट छोड़ा। हाँ ओए ऐसे तन घर को रह दे दे गंजिया चूचिया नहीं अस तन घर ले बदरा वहाँ जो घर काट सटा ओए तन अस घर ले बदरा वहाँ जो घर काट छोड़ा दस दस काट नहीं छोड़ा घर काट छोड़ा। अच्छा फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच कर हमने कुछ ऐसे टाइम पास करने के लिए अपने बच्चों का वज़न किया कि हमारे बेटे का कितना वज़न है और हमारी बेटी का कितना वज़न है फॉर टाइम पास करने के लिए, क्योंकि उनके घर में वज़न का कांटा मौजूद था। कुछ हमने उनके घर की वीडियो बनाई, उनके जानवर वगैरह कैसे हैं, कुछ हमने वहाँ पर देसी डिशें हमें खाने को मिली, हमने वहाँ पर बैठकर देसी खाने और देसी डिशें खाई। तो फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं, सारा दिन हमने एक ऐसे घर की मेहमान नवाजी की है कि जैसे लोग कहते थे कि पुराने ज़माने में मकान लोगों के कच्चे होते थे और ईमान लोगों के पक्के होते थे। तो फ्रेंड्स हमें ऐसी चीज़ें ऐसी ब्यूटी जो होती है वो हमें बहुत अच्छी लगती है और पुराने सकाफ़ती रंग जो हैं जो कि हम लोग बचपन में छोड़ चुके हैं, हम ऐसी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। और कभी कभी हमें ऐसे दिन देखने को मिलते हैं और ऐसा हमें माहौल देखने को मिलता है जो कि एक नेचुरल माहौल होता है,
यहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम देखकर बहुत ज़्यादा उनसे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। उन चीज़ों को देखने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जो कि बचपन से हम लोगों से कहीं वो छूट गई हैं। तो बहुत हमने यहाँ पर जाकर जी इंजॉय वगैरह किया है। कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह हमने वहाँ से ताज़ा तोड़ कर लाए हैं घर के लिए। तो हमारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा उनके खेतों में इन्होंने भाग दौड़ की है और हम लोगों ने उनकी सब्जियों का एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें कद्दू, तोरी, टिंडे और सब्ज मिर्च वगैरह ये चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी। तो जैसे हम ये सब्जियाँ और ये चीज़ें तोड़ रहे थे तो हमारे बच्चे जो हैं ये खेतों में भाग रहे थे। फ्रेंड्स, मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आप दरख्तों को देख कर आपको महसूस हो रहा होगा कि बहुत ही एक प्यारा दिन था। मौसम आज बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो हम लोग का ये जो ट्रिप था, ये हम लोग का जो टूर था, ये एक बहुत ही आज यादगार गुजरा है। तो अभी हम जी वापसी की तरफ रवाना है क्योंकि हमने बाइक पर 80 किलोमीटर का सफ़र वापसी पर तय करना है और काफ़ी हम लोग थक चुके हैं जाते हुए और आते हुए। तो वापसी पर हम लोग यहाँ पर एक जगह स्टे कर रहे हैं और अपने बच्चों से हाल अहवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप फिर ऐसे बाइक पर लंबा सफ़र करने के लिए रेडी हैं या नहीं। तो देखिए जी, बच्चे बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। वो ऐसी बातें जो उनके दिल में होती हैं कोई बातें वो कह देते हैं, वो ज़बान पर इन बातों को ले आते हैं। तो हम जी ऐसे नए नए रंग रंग माहौल आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, ऐसे हम भी लोग बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपनी राय से आगाह करें कि हमारे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो दुआ में याद रखिए जी। अस्सलामुअलैकुम।